अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत होंगे। बात करेंगे मलेशिया के बारे में। मलेशिया ने पाकिस्तान समेत दीगर 23 ममालिक के शहरियों पर मलेशिया में दाखिले पर पाबंदी लगा दी है। आज 9 सितंबर 2020 मलेशियन इमिग्रेशन और दीगर गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ की जानब से अनाउंसमेंट की गई। इन 23 ममालिक के शहरी जो हैं वो मलेशिया में दाखिल नहीं हो सकते जब तक नेक्स्ट जो है वो ऐलान नहीं किया जाता, यानी परमिशन की इजाज़त नहीं दी जाती। इवन के अगर आपके पास वैलिड वीज़ा है, वर्क परमिट है, या आपका नया वीज़ा है, या नए वीज़े पे आप जाना चाहते हैं, विजिट वीज़े पे जाना चाहते हैं, किसी भी तरह से इन 23 ममालिक के लोग जो हैं वो मलेशिया में दाखिल नहीं हो सकते जब तक गवर्नमेंट दोबारा कंफर्म नहीं करती। इन 23 ममालिक की लिस्ट में जो है वो पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, बांग्लादेश, इराक, इटली, यूरोपियन कंट्री भी शामिल हैं, इटली, भारत, इंडिया, अमरीका। देख लें, अमरीका के शहरों पर भी मलेशिया में जाने पर पाबंदी है। ब्राज़ील है, रूस है, पेरू साउथ अमेरिका की सिटी कंट्री है, कोलंबिया, जनूबी अफ्रीका, मैक्सिको, ये भी साउथ अमेरिका में। उसके बाद स्पेन, चिली, अर्जेंटीना साउथ अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, फिलिपीन और इंडोनेशिया और ईरान, ये 23 ममालिक जो हैं, इन तमाम ममालिक के शहरी जो हैं वो मलेशिया में एंट्री नहीं कर सकते, इनका दाखिला ममनू है। जो ही मिनिस्ट्री जो है अलाउ करेगी तब ये शहरी जो हैं वापस मलेशिया में जा सकेंगे, जबकि वहाँ से बाहर जाने पर खुली आज़ादी है। आप जिन कंट्रीज़ में परमिशन लेना होती है, जो भी प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करते हैं, आप मलेशिया से जा सकते हैं वापस। इंशाल्लाह खैर, दुआ करें अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। जितने भी दोस्त अहबाब वहाँ पर हैं और जितने भी दोस्त अहबाब मलेशिया से बाहर हैं लेकिन मलेशिया में जॉब करते हैं, बिज़नेस करते हैं, अल्लाह ताला जल्द हालात ठीक हों और तमाम लोग जो हैं वापस अपने रोज़गार पर, अपने कारोबार पर वापस आ जाएँ। हमेशा जो है पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें, एक दूसरे का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।